ये जो बड़ा है सारे संसार को सुख देने वाला होगा, आराम देने वाला होगा, इसका नाम राम होता है। हर दूसरे दूसरे का क्या नाम निकालते हैं, कुंभ मेले से दर्शन कर रहे हैं। आश्रम का जो आश्रम का शिविर है ये महल नुमा और निरंतर राम कीर्तन चल रहा है। आइए, ये 15 सेक्टर कुंभ मेले के 15 सेक्टर में हूँ, मुक्ति मार्ग 15 सेक्टर। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ये बाबा सीताराम अनुक्षेत्र है, बाबा सीताराम अनुक्षेत्र। बोले राम तो अरे रीत सदा चली रही, प्राण जाए पर नारायण नारायण वचन दिया जो मांगा हर हर श्री राम जय राम। पंद्रह सेक्टर के मुक्ति मार्ग पर खड़ा हूँ, ये बाबा अनुक्षेत्र का मंडप है। रामरस का आनंद लीजिए, बाबा अनुक्षेत्र से रामरस। भगवान आइए संकीर्तन में हम भी भाग लेते हैं।
हिरण्यकश्यप के गुरुदेव, क्या मान लिया आपने? आपको शायद मालूम नहीं, चौथे पन पाए हूँ सूत चारी बुढ़ापे में तो बेटा होगा है, आप विचार नहीं। गुरुदेव, राम में दो शब्द हैं पर दो शब्द की मेरे पास बहुत वस्तु, मांगो भूमि धन धन भूमि मांगो धन मांगो पुष्प मांगो राज मांगो, लेकिन राम सारी दुनिया कहती है कि प्राण सबसे प्यारे हैं, लेकिन मेरा राम तो प्राण से भी प्यारा है। गुरुदेव, जल के बिना मछली रह सकती है, लेकिन राम के बिना रह सकता। ये सभी भक्त कुंभ सेक्टर से राम रस का आनंद ले रहे हैं, रसपान कर रहे हैं, आप देख रहे हैं राम कथा चल रही है। कहा बापा नक्षत्र, क्या बात है राजन? राज दशरथ बोले राम लक्ष्मण को मार रहे हैं। तब गुरुदेव ने कहा राजन, मैंने इनकी जन्म कुंडली देखी और इनकी जन्म कुंडली में ऐसा लिखा है कि बाबा जी आएंगे, उनको लेके जाएंगे और दोनों का विवाह होगा, यानी बहू आ जाएगी। जाने जाने को अब देखो, या तो कह रहे थे कि प्राण दे दूंगा, राम को नहीं दूंगा, लेकिन जैसे ही गुरुदेव ने कहा तुरंत कह दिया जाएगा। भाई गुरु के चरणों में विश्वास रखने चाहिए, संत के चरणों में विश्वास रखने चाहिए, भगवत चरणों में विश्वास रखने चाहिए। प्राण दे रहे थे, एक बार गुरुदेव ने कहा ध्यान देना, आज का एक चक्कर हो रहा है, गुरु लोग भी मेरे जैसे हो गए। पहले शिष्य गुरु के हिसाब से चलता था, गुरु कहते थे ना उस रास्ते पर चलता था, और आजकल गुरु जी तेरों के हिसाब से चल रहे हैं। पहले गुरुओं में क्या था, संत कौन है, किसने छोड़ना सीखा हो, और आजकल चेले लोग क्या करते हैं, अपने घर में टीवी लगे तो पहले गुरु जी के कमरे में टीवी लगा देते हैं, अपने पास फोन है तो पहले गुरु जी को फोन दे दो, पसंद हो अपने चक्कर, अपने घर में मार्बल टाइल्स लगाए तो भैया पहले गुरु जी के घर में लगा दो, यानी अपने जैसा गुरु जी को बना लो, फिर क्या लेना देना। पहले संत होता है, पहले शिष्य लोग गुरु के अनुसार चलते थे, पर आजकल गुरु चेलों के अनुसार चलते हैं, इसलिए भला नहीं होने वाला। ध्यान देना, यदि तुम्हें जीवन में आनंद चाहिए, यदि तुम्हें जीवन में सुधरना है, तो गुरु को अपने अनुसार न चलाओ, गुरु के अनुसार चलना सीख जाओ, फिर देखो कल्याण उत्तर नहीं होते। ये हमारा अनुभव है, गुरु को कभी अपने अनुसार न चलाओ, तुम गुरु के अनुसार चलना सीखो, फिर देखो जीवन का आनंद। और कई लोग तो क्या करते हैं, गुरु की दस्तक सुना देते हैं, उसको भी गुरु बनाया, उसको भी गुरु बनाया, उसको भी गुरु बनाया, यहाँ घूमने में कई माता जी अपने कई लोग गुरु बनाए। गुरु तो एक होता है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, एक बात जरूर है, श्री राम जय राम जय जय राम। सामने में यज्ञशाला है, पर्ण ये मंडप है, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, मेरा विरोध नहीं है, श्री राम जय राम, शास्त्रों में तो लिखा है जय राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।
गुरु की आज्ञा के हिसाब से करो, गुरु के साथ।